आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन और सड़क रोको अभियान किया है, ये जो श्रीनगर रोड फाटक संख्या गुलाबबाड़ी फाटक पे जो पुल का निर्माण कार्य विगत 5 अक्टूबर 2018 को जिसका उद्घाटन किया गया था, उसके उपरांत आश्वासन दिया गया था कि दोनों तरफ की जो सड़कें हैं इस पर सुचारू रूप से यातायात का हम पहले निराकरण करेंगे, उसके पश्चात पुल का निर्माण कार्य होगा। लेकिन आपके सामने आज की डेट में करीब करीब 11 माह गुजर चुके हैं, आज 5 सितंबर है, पूरे 11 माह सरकारें बदल गई, कोई इस जगह का नाकामदार का कोई भी जनप्रतिनिधि पार्षद से लेके विधायक से लेके पूरी संपूर्ण सरकार तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, कई गणमान्य व्यक्ति भी जो मौजूदा सरकार में है या पूर्व सरकार में है इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अपने चार पहिया वाहन से अपने ड्राइवर के साथ यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से कम 20 स्कूलों की बसें जो निकलती हैं जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, करीब करीब 35,000 आबादी यहाँ से रोज आवागमन करती है, जिसमें कई महिलाएं भी हैं, कई पुरुष भी हैं। ऊपर से कहते हैं सोने पर सुहागा, पहले सड़क खराब, अपूर्ण निर्माण, चौथा फाटक अगर बंद है तो किसी भी तरीके से रेलवे या स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था वैकल्पिक नहीं की गई है कि कोई जाम नहीं लगे। एक एक दो दो किलोमीटर तक का दोनों तरफ जाम लग जाता है, प्रशासन सोया हुआ है। सीवरेज की समस्या ऐसी है कि पानी निकल निकल के सड़कों पे आ रहा है, कौन सी नाली कहाँ से पानी किसका बह रहा है, और छींटे लगते गंदे कपड़ों पे, कोई आदमी पूजा को जा रहा है, कोई अपने कार्य के लिए जा रहा है तो पता चलता है कि वो कीचड़ से लथपथ घर पहुँचता है। आपकी सुनवाई नहीं करे तो आप आगे क्या करोगे? आगे जाके इसका कड़ा अनुभव सरकार को प्रशासन को झेलना पड़ेगा। आज हमने एक चेतावनी दी है, ये चेतावनी हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे क्षेत्र के इस मुख्य सड़क के विकास के लिए, हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे और पत्थर से पत्थर तक टकरा जाएगा, आंदोलन होके रहेगा। क्या मानते हो प्रशासन की कान में जू भी नहीं रेंग रही है? बिल्कुल सारे निष्कृष्ट है, सारे टॉप टू बॉटम निष्कृष्ट है। नगर निगम मुर्दाबाद। मैं नाकामदार विकास समिति का संरक्षक के नाते मैंने पहले भी दो बार ज्ञापन दिया, मैं स्वयं कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ में पीसीसी में सह सचिव हूँ, उसके लेटर पेड पे भी ज्ञापन दे दिया, कहीं किसी के कोई सुनवाई नहीं हो रही। निगम में चिन्मय गोपाल साहब से मिल के आए, निगम वाले कहते हैं एडीए है, एडीए कहता है पीडब्ल्यूडी है, पुल निगम देखेगा, प्रशासन कहता है कि हम किस तरीके से क्या करें क्या नहीं करें, जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मजबूरी की बात, कई बेचारे मरीज, कई दुखी लोग जब इस सड़क से निकलते हैं तो वो कोसते हैं इस प्रशासन को, इस नगर निगम को, इस पार्षद को, इस विधायक को, रोज कम से कम 2-4 के सर फूट रहे हैं। मैं निखिल टंडन, नाकामदार। प्रशासन को कई बार लिखित में ये दिया गया है और प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाने की वजह से आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा। सड़कों की दोनों साइड में जो सड़कें निकाली हैं उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि आए दिन ना छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन इस बात के लिए आदि हो गया है कि ना कोई बड़ी दुर्घटना हो जब भी वो जगेगा
क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो रोज हो रही हैं। सर कितने टाइम से पुलिया का कार्य हो रहा है, क्या प्रशासन के पुलिया पुलिया का काम है ना, करीब साल भर हो गया और रोड पर सिर्फ मिट्टी डाल देते हैं, वो मिट्टी बरसात में बह के चली जाती है और बिल्कुल जून कोई जून नहीं रंग रही है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने अंडरग्राउंड केबल डाल दिया तो जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी टोटली बंद हो गई है, अंधेरा रहता है बिल्कुल यहाँ पे, और सुबह हम जब घूमने जाते हैं तो गड्ढों में गिरने का डर बहुत रहता है। कहाँ की घटना है, कहाँ पर है ये? इसी जगह पे जा खड़े हैं। कहाँ की जगह है? ये नागा बाजार के पास में रेलवे क्रॉसिंग नंबर, रेलवे क्रॉसिंग। आपका नाम? राजेंद्र कुमार शिवर है। वो प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि ये जो सड़क पुलिया बन रहा है वो पहले बहुत पहले बनना चाहिए था, जिस समय इधर उस पुलिया का उद्घाटन किया था तो मुख्यमंत्री यहाँ आई थी और वो आकर के ये यहाँ का उद्घाटन तो किया ही नहीं और वो छोड़ दिया गया। और अब जो किए जा रहे हैं और जो पुलिया बनाया है, ये पुलिया बना रहे हैं उसके अंदर इनका एग्रीमेंट है कि ये पुलिया तो बनेगा लेकिन दोनों साइड की रोड कंप्लीट होगी और पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा और ठेकेदार को पूछते हैं तो ठेकेदार कहता है बात ही नहीं करता, कोई आता ही नहीं है यहाँ, ठेकेदार किससे बात करे। तो गिर रहे हैं एक पब्लिक को हमने बैंक कॉलर से भी एक लेटर लिख के दिया और सभी के संयुक्त समिति से भी लेटर दिया कलेक्टर को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जो सड़कों का फोटो लेकर के भी साथ में दीजिए कि यहाँ सड़क पे एक साइकिल वाला चल ही नहीं सकता और जो व्हीकल वाला चलता है कई गिर चुके और कईयों के हाथ पांव टूट चुके और इस समय कोई मतलब व्यवस्था यहाँ है ही नहीं। आप यहाँ का फोटो भी देखिए और कई लोग गिर गए। अपील करो, अपील। आरएल राव, आरएल राव।